This is Liti Singh. Welcome back to my channel Super Girl from India. आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही एकदम अच्छा वाला मैजिकल और हमारे सब के लिए बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि हम सब लोग अपने ब्रोनों के और पिंपल्स एक्ने और उसके साथ तो निपट जाते हैं, लेकिन उनके जो बाद में जो मास्क छोड़ जाते हैं वो तो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, जो जाने से नहीं जाते, वो उसका जो सल्यूशन है मैं आज आप लोगों के साथ एकदम से दे के चली आई। उसके साथ दोस्तों मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन जिन जिन का ये प्रॉब्लम है ये हाइपर पिगमेंटेशन से भी निपटता है, और उसके साथ साथ ही ये हम लोगों को एकदम एक स्पॉटलेस फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग लुक देगा। स्पॉटलेस, हाँ दोस्तों स्पॉटलेस, इसका रेगुलर यूज़ करने से हमारे स्किन एकदम स्पॉटलेस एंड ग्लोइंग हो जाएगा। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मेरे ब्रोनो जो एक्ने जो है वो सारे चले गए, लेकिन मेरे जो पिंपल्स के स्पॉट्स से वो अभी तक नहीं गए। लेकिन आप लोग देख सकते हैं अभी मेरे फेस में इतने सारे पिंपल्स मास्क नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ दिनों से, हाँ दोस्तों मतलब पीछे के कुछ दिनों से मैंने बहुत इसके ऊपर काम किया एंड यू कैन सी द रिजल्ट ऑन मी। हाँ दोस्तों मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ स्पॉटलेस स्किन पाने के लिए, और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था इसके लिए मैंने जो 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 जितने भी सारे रेसिपीज ट्राई की है वो मैं सारे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और ये उनमें से एक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स चेक द वीडियो। इसके लिए पहले लूँगी रॉ मिल्क, मैंने यहाँ पे रॉ मिल्क ले लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन का स्क्वीज करके इसका जितना भी जो है वो जूस है उसे निकाल लेना है। अभी इसको ऐसे खुला देना है, आप लोग देख सकते हैं फट गया है, एकदम फट गया है। इसे फटने के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब फट जाता है इट इज़ ए रिच विटामिन सी, जो हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी हमारे स्किन को वाइटनिंग करने में और स्पॉटलेस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी हनी हमें चाहिए हाफ टेबल स्पून हनी। यहाँ मैं डाबर का हनी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो किसी भी ब्रांड का पतंजलि या जो हम लोग मतलब रॉ हनी मिलना तो बहुत एकदम टफ हो गया अभी तक, लेकिन आप लोग चाहे तो रॉ हनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें हनी ऐड कर लूँगी। मिल्क हनी एंड लेमन कॉम्बिनेशन कैन वर्क ए मिरेकल, इट कैन बी द मैजिकल इंग्रेडिएंट, इट्स नरिशिंग योर स्किन एंड इट ऑलवेज स्पॉटलेस क्लियर ग्लो स्किन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हम जानते ही है लेमन हमारे स्किन के जो स्पॉट है उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं इसे अपने हैंड पे अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ऐसे आप लोगों को ये एकदम पानी की तरह हमारे स्किन में एब्जॉर्ब कर जाता है। इसे ऐसे अप्लाई करके जेंटली मसाज करना है, और उसके बाद इसे 20 मिनट्स तक छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगी कि ऐसे मसाज करने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब ये सूख जाए उसके ऊपर इसका और एक लेयर अप्लाई कीजिए एंड देन आप उसे 20 मिनट्स के लिए छोड़िए, फिर आप इसे वॉश कीजिए। इससे 100% इससे 100% रिजल्ट पाने के लिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अभी मेरे हाथ में ये अप्लाई कर लिया है, इसे सूखने के लिए मैं छोड़ दूँगी एंड 5 मिनट के बाद और एक लेयर लगा के आप लोगों को 20 मिनट्स तक रख के धोने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं अपने हाथ को वॉश करके चले आई, आप लोग देख सकते हैं मेरा हाथ एकदम बहुत स्किन टोन बहुत लाइट हो गया है। ये हाइपर पिगमेंटेशन का जो मास्क है उसे भी रिड्यूस करता है, पिंपल्स एक्ने जितने भी सारे हमारे स्किन को नरिशिंग लाइटन एंड ब्राइटन एंड ग्लोइंग करने में हेल्प करता है। और हनी, हम तो जानते हैं हनी हमारे स्किन को क्लियर
एकदम स्मूथ करने के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, और रॉ मिल्क हमारे स्किन को वाइटन करने में, और जो लेमन है वो हमारे स्किन के जो डार्क स्पॉट उसके साथ साथ हमारे स्किन को लाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर इसे अपने ऊपर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद इसका जो रिजल्ट है मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे इंस्पायर करता है और नए नए वीडियो लाने के लिए, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट।